और अगली खबर धनबाद से है, जहां पर धनबाद उपायुक्त ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है और 50% बेड को रिजर्व करने की बात कही गई थी। इसके लेकर इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं उसका भी उन्होंने जायजा लिया है और इसको लेकर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। पहुंचे हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे इनसे। सर, बहुत तेजी से काम हो रहा है, 7 दिनों का जो डेडलाइन है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 7 दिनों के अंदर हर हाल में हम लोगों को 60 बेड की ICU सदर हॉस्पिटल में पूरी करनी है, क्योंकि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए हमारे पास समय नहीं है। पूरी टीम हम लोगों ने लगाई है, सिविल की 3 टीम काम कर रही है, इलेक्ट्रिक वायरिंग की टीम काम कर रही है, ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग की टीम काम कर रही है, कल हमारा ट्रांसफार्मर एक नया चेंज हम लोगों ने करा दिया है। उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हों, HFNC हों, मॉनिटर हों, बेड हों, इलेक्ट्रॉनिक बेड हों, इलेक्ट्रिकल बेड हों, इन सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं और सबों को टारगेट दिया गया कि हर हालत में हमारा 22 या 23 तारीख तक ये 60 बेड की ICU शुरू हो जानी चाहिए। पैरेलली हम लोगों ने मैन पावर का भी कैलकुलेशन कर दिया है, डॉक्टर का भी कैलकुलेशन कर लिया है। सो उम्मीद है कि 22 या 23 तारीख से 60 सरप्लस बेड पे भी, ICU बेड पे भी हम कोविड मरीजों का इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि सर, ऑलमोस्ट ICU बेड फुल हो चुके हैं, जैसा कि कल भी आपने चिंता जताई थी, तो अगर इस स्थिति में अभी वर्तमान में अति गंभीर जो पेशेंट आएंगे उनके लिए क्या वैकल्पिक है? देखिए, अति गंभीर मरीज को हर दिन कैटर किया जा रहा है, कहीं पर भी ये स्थिति अभी तक हम लोगों ने नहीं आने दी है कि अत्यंत गंभीर मरीज लौटना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं हम लोग आने दिए हैं अभी तक। लेकिन यदि जल्दी हम लोगों ने ये नहीं किया निर्माण ICU का, तो माइट बी कि आने वाले समय में वो स्थिति आ सकती है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। हमारे पास निजी संस्थान भी हैं, उनसे भी सहयोग लिया गया है, और अगर हम सरकारी संस्थान से नहीं कर पा रहे हैं तो हम निजी संस्थान में उनको भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कैटर करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनौतीपूर्ण माहौल है, बट इतना है कि जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, लगातार पूरी टीम काम कर रही है और बेहतर इलाज करने देने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये उपायुक्त उमाशंकर सिंह जी, स्पष्ट रूप से ये धनबाद वासियों को एक बार फिर से इन्होंने आश्वस्त किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रशासन लगातार काम कर रही है, लेकिन आपको भी प्रशासन को सहयोग देना पड़ेगा, घबराएं नहीं, सहयोग दें और सतर्क रहें। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी कुंद।